FM 100. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100. FM 100. 100. 100. All right, great friends, a very good evening. Welcome back to the Evisa Radio 100 Pakistan. This is me, DJ Kursala, on the dial. And of course, I got a renowned artist, basically a songwriter, film producer, director, and a playback singer, also Mr. Shani Arshad, jiski main bahut badi fan bhi hu, and amazing vocals, and of course amazing music also at the same time. Assalamu alaikum Shani sahab. Ji wa alaikum assalam. Kaise hain aap? Bilkul theek thaak alhamdulillah. Aap sunaye kaise hain? Main waise hi hu sir ji, pichle 2 ghante se aap waise hi hai, aur aapke bahut sare gaane bhi humne sune hain, aur aapne bahut sara hame bataya bhi hai about your songs. So thoda sa introduction once again, because we going live again on the show. So bahut sare logon ne abhi bhi tune in kiya hai, to थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइएगा. सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री में कैसे आया. तो मैंने म्यूज़िक इस तरह स्टार्ट किया कि मैं मेरी म्यूज़िकल फैमिली से ही ताल्लुक़ रखता हूँ, एंड मेरे फादर वाज़ अ म्यूजिशियन, मेरे ग्रैंडफादर, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर, राइट, वो सब म्यूजिशियंस है, और घर में म्यूज़िक का ही एक माहौल था, क्योंकि उन्हीं के रिकॉर्डिंग्स पे मैं साथ जाया करता था देख के. तो मुझे ही शौक हो गया था बचपन से कि मुझे म्यूज़िक ही करना है. सो आई स्टार्टेड एज अ कीबोर्ड प्लेयर, फिर उसके बाद मैंने ड्रम्स भी सीखे, एक तबला बजाना भी सीखा, और उसके बाद बस करते करते फिर मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन में आ गया, दूसरे कंपोजर्स के लिए गाने प्रोड्यूस करता था, और बस करते करते मुझे एक टाइम आया कि मुझे गाना कंपोज करना पड़ा. एक्चुअली पहला एक OST मैंने किया था जहाँ से मैंने कंपोजिशन करना स्टार्ट किया, तो इट वॉज चाय कहाँ ये दिल, एक ड्रामा था, उसका OST कंपोज किया था जो शफकत अहमद साहब ने गाया था, तो वो मेरी पहली कंपोजिशन थी, तो वहाँ से मैं फिर कंपोजर बन गया. राइट, एंड बहुत सारे इन्होंने OSTs किए हैं, बहुत सारे फेमस OSTs, बेसिकली इन्होंने कहते ना कि थोड़ा लेके कहते हैं डीजे कुरसाला, दीज आर माई फेमस OSTs. मैंने इनको बताया कि सर जी ये रेडियो है ना, सब ऑल काइंड ऑफ सॉन्ग्स वी प्ले, जॉनरेस वी प्ले, सो देर आर सम ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉनिक वंस, सम ऑफ देम आर रियली रोतू वाला, एंड ऑफकोर्स सम ऑफ देम आर दिल तोड़ने वाला. तो थोड़ा सा आपने जो आजकल का जो सबसे हिट गाना है आपका OSTs में से, विच वन इज इट? मेरा जो सबसे हिट गाना है वो है आई थिंक, है तो काफ़ी सारे एक काफ़ी सारे हैं, लेकिन मैं एक जो देखिए कहने का मकसद है, आपने कहा कौन सा ज़्यादा है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि यार एक के 99, एक के 100 है. अच्छा, 99.9 नहीं है, 99 है, एक 100 है. तो आई थिंक राजे उल्फत से लोग मुझे ज़्यादा जानते हैं, और फितूर के OST से मुझे बहुत ज़्यादा जानते हैं लोग, राइट, और इसके अलावा अभी रिसेंटली चौराहा और जख्म, अमेजिंग, क्योंकि आई स्टार्टेड वाचिंग द ड्रामा सीरियल्स आल्सो, एंड कहते हैं ना कि वो जब एक क्लिप आता है ड्रामा का जो रीटेक करते हैं, आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर और डायरेक्टर, बट वो जब एक रीटेक आता है ना, तो वो आपकी आवाज़ आती है उसके साथ साथ, तो इट्स रियली गुड, यू नो कि बंदा यू नो अगर नहीं भी इंटरेस्टेड है तो यू गेट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग इट, यू नो, बिकॉज ऑफ द वर्कर्स. आपने बहुत सारे गाने भी गाए, आपका जो एक हिट गाना था आधा आधा, इट्स अ वेरी इलेक्ट्रॉनिक टच अटैच्ड टू इट, सो व्हाट गॉट यू टू डू दैट सॉन्ग? अच्छा, बकौल इनके के हर गाने में एक स्टोरी लाइन है, तो लेट्स हियर इट. मेरे म्यूजिक वीडियो में एक स्टोरी लाइन होती है, लेकिन जब मैं गाना बना रहा होता हूँ उस वक्त कोई स्टोरी लाइन नहीं होती, राइट, उस वक्त सिर्फ म्यूजिक पे फोकस होता है कि यार म्यूज़िक अच्छा हो. मतलब मुझे याद है, अभी तो ये हम टर्म यूज़ नहीं करते, लेकिन इससे पहले हम लोग जो है ना एक टर्म यूज़ करते थे कि यार गाना गाड़ी में बजना चाहिए. अच्छा, गाना सब वूफर में बजना चाहिए. Exactly. वो एक वो होता था, बिकॉज हमारे पास जो मेरे जो क्लाइंट्स भी होते थे, तो उनकी भी यार डिमांड होती थी यार गाना ऐसा बना दो कि गाड़ी में बजे. तो हम यही सोच के बनाते हैं कि गाना ऐसा हो कि कोई बंदा फारिग वक्त में हो तो वो हमारा गाना उसका सुनने का दिल करे, और मतलब गाना अच्छा होना चाहिए. फिर जब म्यूजिक वीडियो की बारी आती है तो उस वक्त सोचा जाता है कि मतलब इसकी स्टोरी लाइन क्या होनी चाहिए, वीडियो में अब क्या दिखाना है. जाहिर है 4 मिनट का गाना आप सुन तो सकते हैं, लेकिन अब जब विजुअल उसका आएगा तो वो क्या होगा, क्या होगा? तो उसके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी होना जरूरी है जो एक्चुअली व्यूअर को हुक करके रखे.
तो अच्छा इस गाने का सीन यह है कि जो मेरा ओएसटी वाली साउंड है वो बड़ी फिल्मी टाइप की साउंड होती है, लेकिन आधा आधा जो है वो एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक है उसका. और इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूज़िक उसका इसलिए क्योंकि मैं जब मैंने म्यूज़िक स्टार्ट किया था तो उस वक्त मैं मेरा ज़्यादा जो ध्यान था वो म्यूज़िक इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक की तरफ था. उसकी वजह ये थी कि मैं शायद 15-16 साल का था और उस वक्त मैं हिप हॉप और ये इस तरह का म्यूज़िक सुनता था, तो उस तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान था. तो इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक मैं काफ़ी अरसे से कर रहा हूँ, लोगों को ज़्यादा नहीं पता बिकॉज़ वो मैंने दूसरे सिंगर्स के लिए प्रोड्यूस किया है वो म्यूज़िक, जैसे कि अली जफर की जो पहली एल्बम आई थी चल दिल मेरे, हुक्का पानी और रंगीन, दे वर ऑल इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक. तो वो सारा वो मैंने प्रोड्यूस किया था. और इस तरह होता ये था कि मतलब मैं कोई भी मेरा गाना सुनता था, जैसे मैंने सबसे पहले आपको पता होगा शहजाद रॉय और सुखबीर सिंह का एक गाना आया था जिन्ना कर लोगे प्यार, वो भी मैंने प्रोड्यूस किया था. तो उस टाइम पे मुझे इस तरह काम मिलता था कि जब एक सिंगर का गाना टीवी पे आता था ना तो दूसरे सिंगर्स तलाश करते थे कि यार ये म्यूज़िक किसने किया है, तो वो फिर मेरे पास आते थे, फिर मैं उनका म्यूज़िक बताता था तो फिर उनका सुन के और लोग आते थे. तो अच्छा उस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक हमारे यहाँ पे बहुत कम ही होता था. हमारे यहाँ ज़्यादातर जो है वो रॉक म्यूज़िक की तरफ ज़्यादा ध्यान था, ज़्यादा बॉयज़ का. इलेक्ट्रॉनिक हिप हॉप और टेक्नो के लिए ज़्यादा लोग चैनल वी और MTV देखते थे. यस ट्रू, राइट. पाकिस्तान में वो म्यूज़िक इतना पॉपुलर नहीं था, मतलब पॉपुलर था लेकिन यहाँ पे म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स नहीं थे जो इस तरह का म्यूज़िक करते थे. तो आई वाज द वन जो इस तरह का म्यूज़िक यहाँ पे कर रहा था, तो इसकी वजह से ही मेरे क्रेडिट में इतने सारे जो सिंगर्स हैं. फेदर इन द कैप, फेदर इन द कैप की अगर बात कर रहे हैं तो ही इज आल्सो यू नो कंपोज्ड लॉट ऑफ सॉन्ग्स फॉर कोक स्टूडियो आल्सो, अराउंड 11 और 12. It was season 9 and season 10. Okay. तो उसमें काम करने में आपको कैसा लगा? कोक स्टूडियो के साथ काम करने का बड़ा ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था बिकॉज मैं ज़्यादातर स्टूडियो म्यूजिशियन रहा हूँ. कोक स्टूडियो में सब कुछ लाइव होता था तो वो मेरे लिए एक बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस था और बिल्कुल ही नया ही तजर्बा था मेरे लिए. मैंने कभी लाइव परफॉर्मेंस ना, बिल्कुल इस तरह मैंने कभी काम किया ही नहीं. और एक लाइव परफॉर्मेंस होती है कि आप स्टेज पे जाते हैं, कुछ शो होता है, लेकिन इसमें ये होता है कि आप करते रिकॉर्डिंग है लेकिन उस वक्त सब लाइव प्ले हो रहा होता है और आपके पास कोई डबल टेक या रीडब करने की कोई गुंजाइश नहीं होती. तो उसके लिए फिर हमें कुछ 3-4 महीने पहले उसकी रिहर्सल्स करनी पड़ती थी. तो जो आप एक दफ़ा गाना देखते हैं उसके पीछे 4 महीनों की मेहनत होती है. और मुझे याद है लगातार हमारी 4 महीने रोज़ सुबह 9 से शाम 7 बजे तक रिहर्सल्स होती थी, राइट, एवरी डे फॉर 4 मंथ्स. That's a long time. That's a long time. Arshad, Shani Arshad साहब मुझे ये बताइएगा आपका your family is also into music. Yes. You play a lot of equipment also, like you know musical instruments also, yes. Like tablas. You play the keyboard and the drums also. He told me he plays the drums. So he's basically into it. Yeah. You know. So you played locally in Pakistan, internationally. You also played for Hungarian orchestra also. तो उसमें और यहाँ पे प्ले करने में क्या फ़र्क है? अच्छा जो हंगेरियन ऑर्केस्ट्रा के साथ मैंने म्यूज़िक किया है वो मैं सबसे पहले तो कुछ बातें मैं बताना चाहूँगा कि वो बिल्कुल इस तरह नहीं होगा कि मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू वो देखें ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक करना बहुत मुश्किल है और हमारे यहाँ पे बहुत कम लोगों को अभी इस ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक का पता है. मेरा शौक इसलिए पैदा हुआ बिकॉज मैं बहुत जल्दी म्यूज़िक फील्ड में आ गया था और मैंने हिप हॉप और ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक और ये इस तरह की म्यूज़िक थे इनके साथ मैं बचपन में ही खेल चुका था. तो व्हेन आई टर्न मतलब मैं 20-25 साल की एज में आया तो आई वॉज इन टू चाइकोव्स्की, बिथोवन, मोज़ार्ट, बाख, हैंडल, इनको मैंने सुनना शुरू कर दिया. अच्छा सुनता मैं इसलिए था कि बिकॉज मेरा एक दफ़ा बचपन की बात है, मतलब बच्चे उल्टी सीधी बातें करते थे, मैं ये बात करता था कि अब तो वो मैं नहीं करता, बहुत मुश्किल है. बचपन में मैं एक बात किया करता था कि यार आई वॉन्ट टू लर्न एवरी थिंग, मतलब ये मेरा एक गोल था कि मुझे हर चीज़ जो है ना ट्राई करनी है. आई एम ट्राइंग हिप हॉप तो मुझे जैज़ भी ट्राई करना है, मुझे ऑर्केस्ट्रल भी ट्राई करना है, मुझे क्लासिकल भी ट्राई करना है. तो वो सीखने के लिए मैं हर चीज़ जो है ना सुना करता था. तो वो सीखते सीखते ही वो सारी वो चीज़ें कुछ आ गई मेरे अंदर. सो आई वॉज एबल टू कम्पोज ऑर्केस्ट्रल म्यूज़िक जो कि एक हंगेरियन ऑर्केस्ट्रा के साथ में हमने रिकॉर्ड भी किया. तो एक्चुअली मुझे एक मूवी मिली थी द डोंकी किंग. ओके.
सबको पता, बहुत मशहूर एनिमेटेड मूवी पाकिस्तानी. तो द डोंकी किंग के जो म्यूजिक सॉरी प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर अजीज जिंदानी साहब, उन्होंने मुझे इस पे साइन किया कि यार इसका म्यूजिक आप करेंगे, स्कोर आप करेंगे. तो अच्छा, मेरे लिए वो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था बिकॉज आई वॉन्टेड टू डू ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक काफ़ी टाइम से, और मेरे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिसके अंदर मैं ये चीज़ कर सकता था. तो मैंने बड़ा दिल लगा के उसके ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक बनाया. उसके बाद मैंने अपने प्रोड्यूसर साहब से एक रिक्वेस्ट की, बिकॉज रिक्वेस्ट ही कहूँगा क्योंकि हमारे यहाँ पे मूवीज़ का इतना बजट होता नहीं है, ठीक है. तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि हम ये ऑर्केस्ट्रल म्यूजिक एक ओरिजिनल ऑर्केस्ट्रा से भिजवाएँ. और मैं थैंक यू, जितना थैंक यू करूँ उतना कम है. उन्होंने फौरन हामी भर ली, कहते हैं ठीक है, कहते फौरन निकालो कौन ऑर्केस्ट्रा है. एंड आई सर्च्ड फॉर ऑर्केस्ट्रा ऑन गूगल, और एक निकाला फिर ऑर्केस्ट्रा, फिर उनसे बातचीत की और फिर उनको म्यूजिक भेजा. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वहाँ से भी बहुत अप्रिसिएशन मिली कि यार बहुत ही ज़बरदस्त म्यूजिक. मतलब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम एक एज अ पाकिस्तानी जो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक इतना पॉपुलर नहीं है, वहाँ का अगर कोई म्यूजिक कंपोजर एक हंगेरियन ऑर्केस्ट्रा के लिए म्यूजिक कंपोज करे और वो उसकी तारीफ करें तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. आई नो म्यूजिक इज समथिंग दैट गेट्स यू, गेट्स इनटू योर वेन्स एंड देन इट डजंट कम आउट. शानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. अभी भी बहुत टाइम है हमारे पास, मैं घर में जाने के मशहूर ब्रेक की तरफ. एंड Shani Arshad is here with me. Like I said, he's a well-known icon of Pakistan. Of course, has done a lot of movie, you know, background musics and soundtracks, also for drama serials. So, hamare saath saath rahega. Don't go away. Listening to Radio 100 Pakistan. This is DJ Kursala. Karachi, Lahore, Islamabad, Hyderabad, Rahim Yar Khan, Multan, Abbottabad, Gujarat, Jhelum, across Pakistan. This is FM 100.